इस वसुंधरा स्थान के बारे में, और ये नर और नारायण जो पर्वत हैं जहाँ पर स्वयं इस सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु नारायण ने साधना की हो, जहाँ पर पांडवों ने साधना की हो, उस स्थान पर कितना तपोबल होगा। इस स्थान पर आपको प्रकृति में साक्षात भगवान के दर्शन नजर होगी। इस स्थान पर आपको ऐसा लगेगा कि प्रकृति आपसे कुछ कहना चाहती है, प्रकृति आपको कुछ बताना चाहती है। बस अगर हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्मों का उदय हुआ है तो ही हम इस स्थान पर आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, इस स्थान की शांति को महसूस कर सकते हैं। यह बहुत ही परम और पवित्र धाम है। अपनी भगवती इष्ट देवी मेरी भगवती माँ बगलामुखी माँ की कृपा, बटुक भैरव महाराज और भगवान शिव माता पार्वती की कृपा से मुझे भी इस पावन दिव्य स्थान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे साथ कई भैया लोग आ रहे थे, कुछ कोलकाता के हैं, कुछ महाराष्ट्र के हैं। हमारे साथ रास्ते में आते आते बहुत सारे लोगों ने हमको कहा कि भैया मत जाओ, देर हो जाएंगी, रात हो जाएंगी। लेकिन पहली चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मैं भगवान से मिलने आया हूँ, भगवान के दर्शन पाने के लिए आया हूँ। घर परिवार सब लोगों को छोड़कर हम इस एकांत जगह में इसलिए आए कि भगवान से दो क्षण बात तो कर लें, दो अपनी अर्जी तो सुना दें उन्हें। और ऐसे में हमने हमारे ध्येय को हमने प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े और बाबा के धाम तक पहुंच गए। मैं आप सभी से भी कहना चाहूँगा कि दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वह व्यक्ति जो नदी में अगर आप बह रहे हो तो आपका हाथ पकड़ के खींच लेंगे, और दूसरा वह व्यक्ति होगा कि जिसको आप बचाने जाओगे वही आपको खींच के डुबा देगा। इसीलिए सदैव सत्य के मार्ग पर चलें, और भगवान के लिए परीक्षा तो होती है। जैसे कि यहाँ भगवान हनुमान जी महाराज बैठे हैं, किसने देखा हनुमान जी महाराज, लेकिन ऋषि मुनि महात्मा कहते कि इस प्रकार से हनुमान जी का नाम जपो तो आपको साक्षात दर्शन हो जाते हैं। वास्तव में यह देवभूमि पुण्य भूमि है, इस स्थान पर दिव्य आत्मा ही आती है। पापी दुराचारी दुष्ट व्यक्ति इस स्थान पर कदम भी नहीं रख पाता, उसकी बुद्धि ही उसको भ्रमित कर देती है। भगवान ऐसे लोगों को नहीं बुलाता, और जो आ गए यहाँ पर, इस वसुंधरा झरने का जल अपने ऊपर छिड़क गए, उसके जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों का खंडन हो गया, उसकी 21 पीढ़ियाँ तर जाए। जिस परिवार में भगवान का एक भक्त जन्म ले लेता है, हजारों परिवार के लोगों को मुक्ति से, उनके जो रोग दोष शारीरिक समस्या मानसिक समस्या से मुक्ति मिल जाती है। और भगवान हनुमान जी महाराज जी के लिए क्या कहना है। हनुमान जी का बहुत ही प्यारा मंदिर है वसुधरा झरने के पास में ही, और ये देख सकते भैया लोग मंदिर में बैठे हुए हैं। और ये सामने का नज़ारा, ये जो आप जो देख रहे हो, ये नर और नारायण पर्वत हैं। इसी जगह पर सतयुग में भगवान विष्णु जी ने नर और नारायण रूप में अवतार लिया था, तब यहाँ पर उन्होंने आराधना की थी, उन्हीं की तपोस्थली है। और हनुमान जी महाराज के देवस्थान पर भैया लोग आए हैं। भैया आपका नाम? सागर भानुशाली जी। आप मुझे बताइए कि बद्रीनाथ धाम से जब आप इधर ऊपर आए, इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर प्रकृति के अद्भुत नज़ारे की ओर, तो क्या महसूस कर रहे थे आप, कैसा लग रहा था आपको? अभी ये भाई अभी हमें मिले जी जी, तो वही बोला जब आधे रास्ते पे आए जी जी, तब सामने से एक भाई आ रहे थे, तो उनको पूछा और कितना समय लगेगा, तो उन्होंने बोला कि अब जितना क्रॉस किया है उतना ही और बाकी है जी जी। पैरों ने नीचे से बोल दिया कि अभी यहीं पे रुक जाओ जी, आराम जी करके नीचे जाओ जी जी जी। 10 मिनट उधर रुके जी, लेकिन जी अंदर से आवाज आई, बिल्कुल बिल्कुल नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है, सही सही बुलावा आया है तो बिल्कुल, यहाँ से अगर रिटर्न जाना है सही सही सही, बद्रीनाथ आए हो आप सही सही, आना ही है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और पांडव जो थे जी जी, वो जब स्वर्गारोहिणी के लिए जा रहे थे जी जी, उन्होंने यही रास्ते से वो भी गए थे बिल्कुल बिल्कुल, और हनुमान जी के दर्शन उन्होंने भी, पता तो नहीं है हमें जी जी जी, दावे के साथ तो नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत ही जूना मंदिर दिख रहा है जी जी, उन्होंने जी भी शायद दर्शन किए होंगे यहाँ पे। क्या है ये जो प्राचीन स्थली है, यहाँ पांडवों ने हनुमान जी महाराज और सभी की आराधना की, यही उत्तराखंड की वो भूमि है जहाँ पर भीम का अभिमान चूर करने के लिए हनुमान जी महाराज आए थे। तो धन्य है ये भूमि, ये देव भूमि है, और उत्तराखंड बोले तो भाई साक्षात भगवान विष्णु नारायण का यहाँ पे वास है, जहाँ पर नारायण ने भगवान शिव की आराधना की, वो कितना पावन स्थान होगा वो। और ये जो चढ़ाई रही है इस स्थान की, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ इसके बारे में जी जी, इस चढ़ाई में मेरे को सच्चाई में ये है
मेरे जी को कदम कदम पर डर जरूर लगा है, जी 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 परंतु मन के अंदर जो इच्छा जैसे जैसे बढ़ता गया आगे, मन जी के जी अंदर जो इच्छा बनी जी 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 वो ज्यादा प्रबल थी। बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी जो जो आई पॉजिटिव थी, एनर्जी मिलती रही हमें, जी 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 उस एनर्जी वो ज्यादा पॉजिटिव थी, इसलिए हम यहाँ तक पहुँच पहुंच पाए। पाए हैं। जी और जी यहाँ पर पहुँच के जो जो संतुष्टि, मंदिर है जी जी हमारा जी जी वहाँ पर, यहाँ पर पहुँच के मेरे को एक पॉजिटिव यहाँ फील हुआ, जी 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 वाइब्रेशन हुआ, एकदम जी जी टच करते एकदम वाइब्रेशन हुआ हमें, जी 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 यहाँ से जो हमें आवाज आई जी झरने की, जी हमें लगा पत्थर गिर रहा है, इतनी जोर से आवाज इतनी है, जोर से आवाज जी 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 जी, जी। तो पर हमें यहाँ पे जब दर्शन किए मैंने, जी तब जाके मुझे थोड़ी और एनर्जी हाँ। मिली, फिर मैं उधर गया, देखते हैं क्या होगा, पर वहाँ पहुँचते हैं, जी जी फिर मुझे पता लगा वो आवाज सिर्फ झरने की थी, जी पत्थरों जी की नहीं थी, जी 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 तब जाके हमें थोड़ा सा संतुष्टि मिला जी कि हाँ कि वो आवाज झरने की थी। कितनी थकान थी, मैं तो एकदम रुकते रुकते रोते रोते और कितना रह गया, और लोगों से पूछती हूँ कि भाई कितना रह गया, कोई बोलता 1 किलोमीटर, कोई बोलता 2। कुछ लोगों ने तो ये भी बोला होगा कि वापस चले जाओ, पहुँच नहीं पाऊंगी। हाँ दूसरी बात जी 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 सब लोग ऐसा बोल रहे थे कि आधा घंटा रहा, 2 घंटा रहा, हाँ हाँ जी जी 1.5 किलोमीटर रहा, 2 किलोमीटर, पर मैं बोल रहा हूँ कि सही में आप कितना चल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल वो देखो, किलोमीटर मत गिनो। वास्तव में यहाँ तक आने के लिए हम 2000, 2500, 1500 किलोमीटर चल के आए, और 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के लिए हम शिव से, हमारे आराध्य से, भगवान विष्णु से, कितनी सच्चाई है, बिल्कुल बिल्कुल उस हिसाब से आप चलो तो जितना भी लंबा होगा ना वो रास्ता जल्दी कट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल यही तो भगवान का मार्ग है कि परीक्षा तो जरूर लेते हैं, वो लेते हैं। हमारे बीच में राहु केतु को भी भेज देते कि इनको डरा दो, वापस भिजवा दो, लेकिन हमारी जो श्रद्धा और हमारी भक्ति है ये बिल्कुल ही हमें भगवान से मिलाई देती है। तो ये भैया लोग भी बहुत लंबी चढ़ाई चढ़ते हुए, लगभग 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ते हुए और इस वसुंधरा झरने की ओर पहुँचे हैं, और इस झरने के बारे में कहते हुए कि जिस व्यक्ति के ऊपर इसका जल गिर जाता है वह शारीरिक मानसिक और आर्थिक उसके तापों से भी उसको मुक्ति मिल जाती है, और बहुत पुण्य आत्मा होता है। पापी के ऊपर इसका जल नहीं गिरता, ये जी जी पापी व्यक्ति तो पहली चीज यहाँ आ ही नहीं पाता, उसको उसको डरा देते हैं और वो वापस चला जाता है। जी 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 जब झरने के पास में पहुंचा, जी 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 कुछ बूंदे आई, जी 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 पर मुझे वो एनर्जी मिली जितनी थकान थी, जी 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 200% मुझे, जी 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 डबल एनर्जी मेरे को उधर से मिली है, जी 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 सब थकान खत्म, उससे डबल एनर्जी मेरी क्रिएट हुई, जी जी और अभी तो सिर्फ बादल है, झरना तो आपको दिखेगा ही नहीं, ऐसा लगेगा बादलों में खड़े और ऊपर से पानी गिर रहा है। जी 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 ये सब भगवान की लीला है, इसीलिए तो इसको स्वर्ग का मार्ग कहते हैं। स्वर्ग का मार्ग यही तो है कि स्वर्ग में भी धुआं धुआं ही नजर आता है, बाकी तो कुछ नजर नहीं आता है। तो वास्तव में देव भूमि है। क्या कहना चाहूंगे जो आना चाहते हैं वसुंधरा झरने की ओर? जरूर आए, और हिम्मत ना हारे, आगे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ये सोच के मत आए, जी हिम्मत जी करके एनर्जी लेके आए, जी 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 जरूर जरूर पहुंचे, आगे बढ़ोगे, जी जी आपकी एनर्जी अपने आपकी बढ़ेगी, जी 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 कभी घटेगी नहीं, तो अपने आप पहुंच जाओगे आप, जी जी तो उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ पहुंचते जाओगे।